नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं दलिया खिचड़ी, बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी और स्वादिष्ट सी। और ये हम बनाएंगे वेजिटेबल्स की मदद से और बहुत ही कम मसालों में। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और ख़ास करके जब आपकी तबीयत हल्की फुल्की ख़राब हो उस वक्त आप इसको ज़रूर बना कर खाएं। ये खाने में बहुत हेल्दी होगी, चटपटी भी लगेगी और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं करेगी। तो दलिया खिचड़ी कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए मेरे साथ रेसिपी में बने रहिए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी रसोई में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सभी के लिए चटपटी सी दलिया खिचड़ी। दलिया खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लाभदायक भोजन होता है। ये खास करके जब तबीयत ख़राब होती है, तबीयत ख़राब से आप ठीक होते हैं तो चटपटा सा हल्का फुल्का खाना खाने को मन करता है, उस वक्त खाने में ये बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए अब आपको बताती हूँ इसमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आधा कटोरी दलिया ले ली है, इसको अच्छे से धो लिया है। दोस्तों आधा कटोरी दलिया में भी दो लोग खा सकते हैं आसानी से। उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली हैं। सब्जियों में मैंने ये फूल गोभी ली है। एक टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। गाजर ले लिए हैं। आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। और ये थोड़े से मटर ले लिए हैं। साथ साथ में मैंने ये प्याज ले लिए हैं। दोस्तों आप हरे प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिर्च ले ली है और साथ में ये धनिया की पत्तियाँ मैंने ले ली हैं। तो दोस्तों इसको जब भी बनाना हो तो प्लीज़ आप छोटे छोटे टुकड़े करें सब्जियों के, क्योंकि वो आसानी से गल जाते हैं। तो चलिए, और साथ के साथ इसमें सूखे मसाले पड़ेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करें। तो दोस्तों मैंने कुकर चढ़ा के गैस ऑन कर दी है। अब आप कुकर को गर्म होने दीजिए। तो दोस्तों कुकर गर्म हो गई है। अब इसमें एक से डेढ़ बड़ा चम्मच आप तेल डाल लें। तेल दोस्तों सरसों का यूज़ करेंगे तो दलिया ज़्यादा चटपटी बनेगी। जैसे ये तेल गर्म हो जाए इसमें आप जीरा डाल दीजिए। ज़ीरा जैसे ही हो जाए दोस्तों इसमें प्याज और मिर्ची साथ साथ डाल दें और डालकर इसे थोड़ा सा चला दें और इसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक भून दें। प्याज हो गई दोस्तों। अब आप इसमें आलू, गोभी, गाजर और मटर चारों साथ में डाल दें और इसे एक बार फिर से चला लें। दो मिनट तक इसे भुनने दें दोस्तों। दो मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब इसमें टमाटर डाल लीजिए। इसमें दोस्तों सब्जियों को बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर से आप एक बार चला लीजिए। एक दो मिनट और होने दीजिए, उसके बाद हम इसमें नमक और मसाला डालेंगे। दो मिनट हो गए दोस्तों। अब इसमें नमक डालते हैं। पहले नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए, आंच थोड़ा कम कर लीजिए। फिर इसमें मसाले डालेंगे। बिल्कुल नाम मात्र की हल्दी डालिए, ज़रा सा गरम मसाला आधे चम्मच से भी कम, आधे चम्मच से भी कम धनिया और आधे चम्मच से भी कम लाल मिर्च डाल लीजिए। मिर्च तीखा खाने के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लाल टेक्सचर पसंद है तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल लें और एक बार इसको चला लें। चला लेने के बाद अब आप इसमें ये दलिया ऐड कर दीजिए। दलिया डाल के एक और बार चला लीजिए और अब इस कटोरी से ही नाप के इसमें तीन कटोरी पानी डाल दीजिए।
पानी अभी कम लगे दोस्तों तो आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 कटोरी में ये हो जाएगा। और अब हम डाल देंगे इसमें धनिया, इसको चला देंगे और कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है दोस्तों। अब मैं इस पर 1 सीटी तेज आंच पर और कम से कम 2 सीटी कम आंच पर लगा लूँगी और बस दलिया तैयार। तो दोस्तों सीटियाँ लग चुकी है, हमारी दलिया हो चुकी है। वैसे दोस्तों दलिया 1 ही सीटी में पक जाता है, पर हम 2 से 3 सीटी इसलिए लगा लेते हैं ताकि सब्जियाँ अंदर अच्छे से गल जाए और दलिया के साथ मिक्स हो जाए। अब कुकर ठंडा होता है तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ दलिया कैसा बना है। तो देखिए दोस्तों दलिया खिचड़ी तैयार हो गई है, ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही। ये 1 सीटी में भी हो जाता दोस्तों, लेकिन ये सब्जियाँ थोड़ा अच्छे से मिल जाए इसमें, इसलिए हमने 2 सीटी लगाई। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पानी थोड़ा कम पसंद हो तो आप 3 कप ही 2.5 कप भी पानी डालेंगे तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों तैयार हो चुकी है चटपटी सी दलिया खिचड़ी, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। अगर आपको पानी थोड़ा कम पसंद है तो आप 1/2 कप कम पानी डालें और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत हल्का फुल्का खाना होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे ट्राई करें, अपने घर में बनाएं, अपने परिवार वालों को खिलाएं। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ को ला सकूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।